दिल्ली के अंदर जो यमुना से सटे इलाके हैं वहां से अब पानी उतर चुका है और ये जो रिलीफ कैंप दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए थे सभी दिल्ली सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं और जो बाढ़ प्रभावित वाले इलाके के लोग हैं जो कि ऊपर आकर रहने लगे थे उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। गोपाल जी, फिलहाल क्या कंडीशन है, किस तरीके की सुविधा इनको दी जा रही है और कब तक आखिर इनको यहाँ पर रहना पड़ेगा? देखिए, अभी तो यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दो तीन दिन पहले जब मैं यहाँ आया था कुछ कुछ दिक्कतें थी, वो भी सुविधाएं सभी यहाँ पे सॉल्व कर ली गई हैं। धीरे धीरे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है क्योंकि अब खबर है कि पानी नीचे जा रहा है तो लोगों के मन में है कि भाई अब अपने जहाँ से आए वो जगह भी ज़्यादा देख रहे हैं लोग कि अभी वहाँ चला जाए, अभी रुका जाए, तो वहाँ की स्थिति सामान्य होते ही लोग उधर शिफ्ट कर जाएंगे। अभी जैसे अब स्कूल खुले हैं तो मैंने देखा कई बच्चे जो है ड्रेस व्रेस पहन करके स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो डॉक्टरों से हमने बात की है उनके अनुसार अब मरीजों की संख्या भी घट रही है। सर से 5 दिन पहले जितने लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट की थी, दवा ली थी, आज वो संख्या आधी हो गई है। तो धीरे धीरे सुधार की स्थिति है और सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि भाई जब वहाँ कंफर्ट हो जाए तो फिर लोग शिफ्ट करें। बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने 10,000 रुपये का ऐलान भी किया था, क्या वो इन लोगों तक पहुँच रहा है, इस बारे में भी कुछ बातचीत यहाँ पर? नहीं, अभी सब जो है DMs के माध्यम से वो रिपोर्ट बन रही है तो ये लोग तैयार करके सबमिट करेंगे, उसके बाद इनका वितरण होगा। यमुना का पानी तो निचले इलाकों से हट गया है लेकिन उसके बाद जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर अब क्या आप किसी तरीके के छिड़काव, क्योंकि MCD भी अब आपके पास है? नहीं, छिड़काव का काम रेगुलर हो रहा है, अभी जहां कैंप है वहां भी छिड़काव हो रहा है और जहां भी आगे जरूरत है वहां पे रेगुलर बेस पे जो है वो 2 टाइम यहाँ छिड़काव हो रहा है। वहां पे सांप की दिक्कत को देखते हुए उसके लिए भी टीम लगा दी गई है कि उनसे भी उनका बचाव किया जाए। तो सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि जो भी चुनौतियाँ हैं उन सब चुनौतियों में सरकार जो है समाधान जो है लेकर के आए, लोगों की मदद कर। क्या कोई गोपाल जी ऐसी टीम बनाई गई है कि इन लोगों का कितना नुकसान निचले इलाकों में हुआ है जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे? वो DM के माध्यम से ही वो सारा रिपोर्ट तैयार हो रही है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय तमाम रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों से मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि क्या दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं वो वाकई में उन तक पहुंच रही है या नहीं। कैमरा पर्सन अरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया।